दरअसल देहरादून में यूसीसी का विरोध शुरू हो गया है। जी हां, बताया गया है कि कुछ संगठन अब 12 जुलाई को राजभवन कूच भी कर सकते हैं। एक और जानकारी है कि नुमाइंदा ग्रुप के बैनर तले राजभवन कूच किया जाएगा। विभिन्न संगठनों ने यूसीसी के विरोध में नुमाइंदा ग्रुप के बैनर तले आने वाली 12 जुलाई को राजभवन कूच किए जाने का ऐलान कर दिया है। और इन संगठनों से जुड़े सदस्यों का यह भी कहना था कि यूसीसी लागू होने की दशा में राज्य में रह रही अलग अलग जातियों, धर्मों और अल्पसंख्यकों सहित सभी जातियों की धार्मिक सांस्कृतिक परंपराएं बाधित हो जाएंगी। बार काउंसिल उत्तराखंड की पूर्व चेयरपर्सन एडवोकेट रजिया बेग का यह भी कहना था कि उत्तराखंड राज्य नया और छोटा राज्य है और इस राज्य में बेरोजगारी, पलायन, राज्य का विकास, भू कानून जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जो एक बड़ी समस्या बनकर उभरे हैं, जिन पर अभी तक गंभीरता से काम भी नहीं किया गया और इसके उलट सरकार इन गंभीर मसलों से ध्यान भटकाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कर रही है। कहा यह भी गया है कि नगर निकाय और लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सरकार इसे चुनावी मुद्दा बनाकर चुनावी रण में उतरना चाहती है। उन्होंने सरकार से यूसीसी लागू करने का विचार वापस ले जाने की मांग उठाई है, लेकिन सरकार अपनी ओर से तैयारी कर रही है, कोई हड़बड़ी नहीं की जाएगी, बल्कि आने वाले वक्त में पूरे पूरे संकेत हैं कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। नासिर हुसैन हमारे संवाददाता जुड़े हमारे साथ फोनलाइन पर, उनसे हम बातचीत करते हैं इस मसले को लेकर। नासिर, कुछ संगठन अब आगे आए हैं और ये पहले से ही लग भी रहा था कि यूसीसी को लेकर एक तबका ऐसे जो उसके पक्ष में होगा और एक तबका ऐसा भी होगा जो उसके विरोध में भी होगा, और ये देखने को अब मिल भी रहा है। राजभवन कूच की तैयारी कर ली है कुछ संगठनों ने, एक बार जानकारी आप देंगे कि क्या ये संगठन अपना विरोध जताने में सफल हो सकते हैं? ये कौन कौन से संगठन हैं जो इसका विरोध करने के लिए तैयार हो रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के सरकार लगातार तैयारी कर रही है कि उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में तमाम केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करके आए हैं और अब जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को सरकार में लागू करने के लिए जैसे ही जो ड्राफ्ट है वो कमेटी सरकार को भेजेगी, उसके बाद विधानसभा में इसको पारित करके लागू करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम जो संगठन है अब उसके विरोध में नजर आ रहे हैं। कुछ संगठनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड है अब वो लागू नहीं होना चाहिए और सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसलिए लागू करना चाहती है ताकि जो मेन मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा सके। बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो और राज्य में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार ध्यान भटकाना चाहती है, और साथ ही साथ क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक है, नगर निकाय चुनाव नजदीक है, उसके लिए एक एजेंडा सरकार को चाहिए था और उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा रहा है। ये संगठन हालांकि इसमें कुछ मुस्लिम संगठन है, कुछ और भी संगठन है जो लोग मिलकर के अब विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं, राजभवन कूच करने की तैयारी कर रहे हैं और उनका आरोप यही है कि सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कई बहुत सारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, वो लोगों की उनका हनन होगा और साथ साथ जो संविधान में ये कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने धर्म के हिसाब से काम करे, अपने धर्म के साथ उनके जो कानूनी अधिकार दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं उनका हनन करने की बात ये संगठन कह रहे हैं और इसी को लेकर के तमाम संगठन तैयारी कर रहे हैं राजभवन कूच करने के लिए। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और आपने बताया कि कैसे अब ये ऐलान किया गया कि राजभवन कूच करेंगे कुछ संगठन जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर